नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला, शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर शहर के जनक सह टाटा संस के संस्थापक की जयंती पर टाटा समूह के अधिकारियों समेत शहरवासियों ने संस्थापक को किया याद, अर्पित की गई श्रद्धांजलि। निजी स्कूलों के तरह राज्य भर में अब सरकारी स्कूल भी बनेंगे स्मार्ट। पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की जा रही है स्मार्ट शाला। जिले में शुरू हुआ मिशन इंद्रधनुष का चौथा राउंड, जिले के सिविल सर्जन ने चिन्हित बच्चों को किया अच्छा दिन। अब खबरें विस्तार से। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नौशरवान जी टाटा का जन्म दिवस टाटा समूह ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया। वैसे न केवल टाटा समूह बल्कि जमशेदपुर शहर के जनक सह टाटा समूह के संस्थापक की जयंती पूरा जमशेदपुर शहर मनाता है। संस्थापक दिवस के अवसर पर टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन द्वारा नौशरवान जी टाटा साहब के प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। इस मौके पर टाटा स्टील के एमडी समूह के उच्च अधिकारियों ने भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं इस मौके पर कई झांकियां भी निकाली गई। वहीं इस मौके पर टाटा संस के चेयरमैन ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि टाटा समूह के संस्थापक नौशरवान जी टाटा साहब की सोच को आगे हम लोग लेकर जाएंगे और जमशेदपुर को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मॉडल सिटी के रूप में विकसित करेंगे। वहीं वैश्विक आर्थिक मंदी के बीच टाटा समूह जमीनी स्तर पर बेहद मजबूत है। जरा देखिए, वो ऐसा चैलेंजेस इन लॉन्ग टर्म कभी कभी आते ही रहेगा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का चैलेंजेस हमको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लुक एट हमारा देश भारत, भारत का पोटेंशियल बहुत 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 ज़्यादा है। नंबर वन, अर्बनाइजेशन विल हैपन। नंबर टू, मिडिल क्लास विल कंटिन्यू टू ग्रो। कंज्यूमर स्पेंड विल इंक्रीज और कैपिटा स्पेंड जो होता है वो 2030 विल डबल। वी हैव यंग पीपल, डेमोग्राफी डिविडेंड, सो इंडिया का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है एंड वी विल ग्रो। वी आर इंक्रीजिंग आवर कैपेसिटी। वी विल डेफिनेटली टच 24-25 मिलियन टन्स इन द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। एक्सपेंशन इन कलिंगा नगर इज हैपनिंग एंड भूषण स्टील इंटीग्रेशन इज हैपनिंग। Long product division is forming and we have some challenges in Europe which we continue to have for the past decade. We will take a hard view and put our solution accordingly. सरकारी स्कूलों के बच्चे अब स्मार्ट क्लासेस का आनंद उठा सकेंगे। वैसे पूरे राज्य में 400 स्कूलों से स्मार्ट शाला की शुरुआत की जा रही है। जमशेदपुर में भी पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट शाला की शुरुआत की जा रही है। आपको बता दें कि जमशेदपुर के भालुवासा स्थित हरिजन हाई स्कूल को स्मार्ट शाला से जोड़ा गया है। इसमें अब सरकारी स्कूलों के बच्चे भी हाईटेक टेक्नोलॉजी से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इसकी जानकारी देते हुए जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय में पदस्थापित माला अडवाणी ने बताया कि अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत इसकी शुरुआत की जा रही है। जल्द ही जिले के अन्य सरकारी स्कूलों में भी इसकी शुरुआत की जाएगी। वहीं स्मार्ट शाला के प्रशिक्षक ने बताया कि निजी और सरकारी स्कूलों के बीच जो गैप है उसे स्मार्ट शाला दूर कर देगी। नाम स्मार्ट शाला है और ये प्रोजेक्ट एक स्मार्ट स्कूल प्रोजेक्ट, एक स्मार्ट क्लासरूम प्रोजेक्ट है जिसमें बच्चों का एक तो उनके पढ़ाई का मॉड्यूल भी है इसमें और उनके असेसमेंट, उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए टेस्टिंग मॉड्यूल्स भी है इसमें। तो अभी ये प्रोजेक्ट अभी पूरे जिले में एक स्कूल में चल रहा है।
और ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ। हम देख रहे हैं इसको, कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे चलने वाला है, और जैसे ही अगर ये प्रोजेक्ट की सक्सेस पे डिपेंड करेगा कि हम इस प्रोजेक्ट को और कितने स्कूल्स में और किस प्रकार से जो है प्रमोट कर पाएंगे, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ये फ़ायदा होगा कि एक स्कूल को अगर ये जानना हो कि उसके बच्चे की किस सब्जेक्ट पे क्या प्रोग्रेस है, किस बच्चे में वो किस सब्जेक्ट में वो वीक पड़ रहा है, अगर उसको एक स्टूडेंट वाइज रिपोर्ट चाहिए तो इस प्रोजेक्ट में वो फैसिलिटी है कि देख सकते हैं। और ये सब डिजिटल फॉर्म में है, तो मतलब डिजिटल फॉर्म में इसलिए वो टीचर्स के लिए भी ईजी है और वो स्टूडेंट के लिए भी ईजी है। और जिस तरह का स्मार्ट क्लासरूम का जो पूरा मॉड्यूल रहता है वो बच्चों के लिए भी काफ़ी मोटिवेटिंग रहता है, इंटरैक्टिव रहता है कि हाँ वो डेली बेसिस पे आके स्मार्ट क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे बच्चों का भी इंटरेस्ट बढ़ता है पढ़ाई में। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में मिशन अंधधनुष के चौथे राउंड का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां चिन्हित बच्चों को सिविल सर्जन महेश्वर प्रसाद के धातु आच्छादित किया गया। DRCHO के द्वारा एक योजना बनाकर मिशन इंद्रधनुष का अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, जहां चौथे राउंड का कार्यक्रम अगले 7 दिनों तक सदर अस्पताल OPD में चलाया जाएगा, जिसमें पूर्व सर्वे के तहत उन बच्चों को चिन्हित करने का प्रयास विभाग की ओर से किया जाएगा जो किसी कारणवश छूट गए हो। साथ ही एक माइक्रो प्लान बनाकर अप्रैल माह में 15 दिनों के लिए इस अभियान की शुरुआत की जाएगी। यह चौथा राउंड है जो 2 तारीख से आरंभ होकर 7 दिन चलेगा। इम्यूनाइजेशन प्रतिरक्षण दिवस बृहस्पति एवं शनिचर तथा रविवार को छोड़ के अगले 7 दिन तक ये चलेगा, और इसमें छूटे हुए बच्चे जो चिन्हित किए जा चुके हैं उन्हें इस प्रोग्राम के अंतर्गत आच्छादित किया जाएगा। छूटे हुए बच्चे में यथा कह सकते हैं ड्रॉप आउट लेफ्ट आउट है, ड्रॉप आउट बच्चे लोग कुछ लोग हमारे सेवा तक के आए हैं, उनको एक खुराक या दो खुराक या तीन खुराक पड़ा है, बाकी खुराक से वंचित रह गए हैं उन्हें देना है, एवं वैसे बच्चों को चिन्हित किया गया है जो हमारे सेवा तक के पहुंच ही नहीं पाए हैं, तो उनको भी चिन्हित करके उनकी भी खोज करके सर्वे करके उन बच्चों को चिन्हित किया गया है तथा उन्हें इस प्रोग्राम के तहत आच्छादित किया जाएगा। जमशेदपुर के साक्ची थाना पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों ही अपराधी नशे के आदी हैं और नशे को बरकरार रखने के लिए ये बाइक की चोरी किया करते थे। बताया जाता है कि पिछले दिनों साक्ची थाना क्षेत्र से एक बाइक की चोरी हुई थी, जिसमें लिखित शिकायत थाने में दर्ज की गई थी। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने कदमा थाना क्षेत्र के धातकीड़ी निवासी मोहम्मद उस्मान, वहीं दूसरे अपराधी कपाली थाना क्षेत्र का निवासी शेख अस्फाक है, पुलिस ने दोनों अपराधियों को सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों ही अपराधी नशे के आदी है और नशे के इस आदत को बरकरार रखने के लिए वे बाइक की चोरी किया करते थे और उसे बेचकर जो पैसे आते थे उससे नशीले पदार्थ खरीद कर उसका सेवन किया करते थे। पिता का नाम मोहम्मद उस्मान, धातकीड़ी के रहने वाला है, और शेख अस्फाक उर्फ मोहम्मद साद, पिता शेख अकबुल, ये कपाली टीओपी हरी मंदिर के पास करना है। एक तारीख की रात में 10:30 बजे मोटरसाइकिल चोरी, एक पल्सर मोटरसाइकिल चोरी किया था, और उसे सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। एक तरह से एक इन लोग मेनली ये है कि नशा के चलते ऐसा करता है, नशा करना है, उसके लिए पैसा का व्यवस्था करना है, उसके लिए चोरी करना है। जमशेदपुर में मठों और मंदिरों के पुजारियों को पारिश्रमिक दिए जाने की मांग उठाए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जहां झारखंड मठ मंदिर पुजारी संघ ने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिले के उपायुक्त को सौंपा है। सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से संघ के सदस्यों ने बताया कि अन्य धर्म गुरुओं के तर्ज पर झारखंड के मठों और मंदिरों के पुजारियों को भी निश्चित मानदेय दिया जाए। वहीं इन्होंने मंदिरों और मठों के पुजारियों के परिवार के लिए
बीमा कराए जाने की मांग भी की है। इसके अलावा इन्होंने 65 पार पुजारियों के लिए जीवन यापन भत्ता देने की भी मांग की है। इस दौरान इन्होंने उपायुक्त कार्यालय में जोरदार तरीके से अपनी आवाज बुलंद की। कि झारखंड में जितने भी मठ और मंदिर हैं, उनके पुजारियों को एक निश्चित मानदेय प्रदान किया जाए। चूंकि पहले इनका भरण पोषण मंदिरों से हो जाता था, लेकिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इससे घर परिवार चलाना इनको मुश्किल होते जा रहा है। और पुजारी हैं, दूसरा कोई काम कर नहीं सकते, बाकी जगह पर जो स्थिति है, चूंकि हमारा पूजा करना काम है, पूजा अगर नहीं होगा तो समाज में एक वितृष्णा की भावना उत्पन्न होती है। इसलिए पूजा पाठ शांति के लिए भी है। आज अशांति के वातावरण पूरे देश में फैला हुआ है। इसका एक कारण ये भी है कि हम अपने धर्म और कर्म से विचलित होते जा रहे हैं। तो धर्म और कर्म पर स्थित रहने के लिए, चूंकि आर्थिक युग है तो अर्थ की भी आवश्यकता। सरकार से हमारी तीन मांगे हैं कि एक तो जितने भी मठ मंदिर हैं झारखंड में, उनके पुजारियों को एक निश्चित मानदेय दी जाए। दूसरी बात, उनको पारिवारिक बीमा के उपलब्ध कराई जाए, सुविधा उपलब्ध कराई जाए, पारिवारिक बीमा हो उनका। और 65 साल से ऊपर के जो मठ मंदिर के पुजारी हैं, जो चलने फिरने में असमर्थ हो गए हैं, उनको जिनका सहारा कोई नहीं है, तो ऐसे लोगों के जीवन यापन के लिए एक कुछ भाता सरकार तय करे ताकि उनका जीवन यापन हो सके। इन्हीं मांगों को लेकर आज हम लोग उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपने वाले। जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र की गंदगी और अव्यवस्था से बेहाल कांग्रेसी नेताओं ने आज नगर निगम कार्यालय पर जमकर बवाल काटा। इन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में गंदगी का अंबार है और विभाग के अधिकारी किसी की नहीं सुनते हैं। मंदिर हो या मस्जिद, हर तरफ घोर अव्यवस्था है। कांग्रेसियों ने 5 दिनों की मोहलत देते हुए ऐलान किया है कि अगर 5 दिनों के भीतर क्षेत्र में साफ सफाई नहीं कराई जाती है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। एकदम मानगो क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। गंदगी देख ली, हर जगह गंदी है, हर जगह लाइट पोल सब प्रॉब्लम है। मंदिर के पास देख लीजिए, पूरा गंदगी पड़ा हुआ है। मस्जिद के पास देख लीजिए, गुरुद्वारे के पास देख लीजिए। हर हफ्ता चाहते हैं कि हम लोग साफ सफाई रहे, नमाज के टाइम में पूरा जो है साफ सुथरा रहे। मंदिर में कोई पूजा हो तो वो जगह साफ सुथरा रहना चाहिए, क्रिश्चियन की जगह साफ सुथरा रहना चाहिए। तो कोई जगह भी जो है ना, अभी तक जो है ना, बहुत प्रॉब्लम में आदमी है। बाहर कम से कम ऑफिस में बैठते हैं तो कम से करीब 2 घंटे तक तो हम लोग भाई भाई करते ही रहते हैं कि काम होगा, लेकिन नोटिफाई वाला लोग सुनता ही नहीं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि 5-6 दिन का टाइम देंगे, नहीं होगा तो फिर जो है ना ये आंदोलन होगा, ताला लॉक होगा। जमशेदपुर शहर के जनक सह टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी नौशरवान जी टाटा की जन्म जयंती पर शहर में टाटा स्टील द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में बिष्टपुर के रीगल मैदान में स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया। इस स्पोर्ट्स इवेंट में अलग अलग कई स्पर्धाओं में टाटा समूह के अधिकारी व कर्मचारी के साथ स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। इवेंट का उद्घाटन टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन ने किया। इस दौरान लगभग 20 अलग अलग इवेंट्स का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में प्रतिभागी शामिल हुए। अतुल कुमार, जमशेदपुर के खास महल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न प्रखंडों के CHO की ट्रेनिंग आयोजित की गई, जहां स्वास्थ्य सुविधा को सुधार लेकर सिविल सर्जन ने उपस्थित CHO को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वर्तमान समय में जिले के सभी CHO हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। वहीं सेंटर में निरीक्षण के दौरान उपस्थित नहीं होने पर कई कर्मचारियों की क्लास भी सिविल सर्जन ने लगाई, साथ ही उन्हें स्वास्थ्य सुविधा में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी। CHO की लेप्रोसी के बारे में ट्रेनिंग है,
ताकि ये लोग अपनी सेवाओं में जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर जो सेवा दे रहे हैं उसमें और इनको स्किल डेवलप हो जाए और बेहतर सेवा दे सके। कहाँ कहाँ से उपस्थित हुए? ये डिफरेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जिले के डिफरेंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से आए हैं। यथा पटंदा है, पुटका है, बिकसलाई है, डुमरिया है। सुंदर नगर के कीड़ा मूल गांव के ग्रामीण अंचल कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्याओं से अंचल अधिकारी को अवगत कराया, जहां उन्होंने सुंदर नगर कैंप में रहने वाले रैफ के जवानों पर सरकारी जमीन अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि किसी तरह से मजदूरी कर वे सभी गुजर बसर करते हैं और कई वर्षों से कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने पर उक्त स्थान पर निवास कर रहे हैं, पर परमात्मा पंडित नाम के रैफ के जवान द्वारा ग्रामीणों को उक्त स्थान से हटाकर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी को एक लिखित शिकायत दी है, जहां अंचल अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि जांच के उपरांत भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इंडा मॉल के पीछे एक आरएफ का जवान है जो कि काफी दिनों से एक सरकारी जमीन को जो है घेर करके रखा है और जो अगल बगल के जो ग्रामीण है जो गरीब आदमी है वहाँ अगर घर बनाने का प्रयास करते हैं तो उसको जो है वो दरा धड़ा करके जो है भगा देता है। और इससे पहले भी जो है आरएफ के जवान है उसका घर पीछे बना हुआ है, उसका घर बना हुआ है उसके पश्चात भी जो है यहाँ पे वो घेर करके जमीन रखा है। अगर सारा जमीन वही घेर लेंगे तो यहाँ का स्थायी आदमी कहाँ जाएंगे। संबंध में हम लोगों ने जमशेदपुर CO से लिखित शिकायत की है और CO साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हम जाँच करके जो है कार्रवाई करें। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।